चलिए अब बात कर लेते हैं वसंतोत्सव की। देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां उत्तराखंड में 3 दिवसीय वसंतोत्सव होने जा रहा है। 1 मार्च से वसंतोत्सव आयोजित होगा। राजभवन में ये उत्सव आयोजित होगा जहां कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित होने वाली है। वसंतोत्सव को लेकर तमाम तैयारियां भी तेज कर दी गई है। 3 दिवसीय ये वसंतोत्सव होने वाला है जहां पर तमाम जो लोग हैं वो मौजूद रहेंगे और राजभवन में ये उत्सव मनाया जाएगा। लेकिन तैयारियों को लेकर क्या कुछ अपडेट है वो ले लेते हैं। हमारे साथ में सोनू लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, 3 दिवसीय वसंतोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, किस प्रकार की तैयारियां की जा रही है और कौन कौन इस वसंतोत्सव में शामिल हो सकता है? जो वसंतोत्सव का जो स्वरूप है उसको और बढ़ाने पर राजभवन लगातार फोकस कर रहा है और राज्यपाल ने संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं, उद्यान विभाग हैं या अन्य जो कृषि विभाग से संबंधित जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको दिशा निर्देश भी दे दिए हैं और तैयारियों को समय से पूरा करने को भी कहा है। तो ये कह सकते हैं कि इसका जो स्वरूप है उसमें इस बार ये पहल की जा रही है कि जो पुलिस विभाग है वो भी जो वसंतोत्सव के दौरान प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं वो उसमें पुलिस विभाग भी इस बार शिरकत करने वाला है। इसके अलावा अभी तक हमने जो देखा है वो ये रहा है कि उत्तराखंड के ही खास तौर से फ्लोरिकल्चर से जुड़े या फूलों से संबंधित जो काम करने वाले लोग हैं, किसान हैं, वो ज्यादा आते थे, लेकिन अब दूसरे राज्यों से भी इसमें इससे संबंधित लोग जो हैं वो राजभवन पहुंच सकेंगे, ये इसमें नया है। तीसरा जो प्रतियोगिता है उनका सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है जो आर्ट गैलरी लगाई जाती है, जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है कि उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ पर तो फूलों की घाटी भी है, तो ऐसे में जो फ्लोरिकल्चर है फूलों को कैसे उनकी नई नई प्रजाति को कैसे यहाँ के वातावरण के लिहाज से उत्पादित किया जा सकता है, उनकी प्रजातियों में कैसे और इजाफा किया जा सकता है और इसकी मार्केटिंग की कैसे व्यवस्था की जा सकती है, न सिर्फ राष्ट्रीय लेवल पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कैसे इसको ख्याति प्राप्त कराई जा सकती है, तो इसी पर फोकस होता है और यही एक मैसेज और संदेश देने की कोशिश होती है। और जो फ्लोरिकल्चर से जुड़े किसान है उनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतियोगिता आयोजित होती है और उनको पुरस्कार भी वितरित किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका आकार, इसका जो स्वरूप है उसको बढ़ाने पर अब फोकस किया जा रहा है और इसी के संबंधित जितनी भी तमाम पहलू हैं उन पर फोकस करते हुए तैयारियों को आगे बढ़ाया जा रहा है और तय समय सीमा में सभी तैयारियों को पूरा कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, तो समझा जा सकता है कि किस प्रकार से राजभवन में वसंतोत्सव पर 1 से 3 मार्च तक फूलों का संसार सजेगा और उसे देखा भी जाएगा। लौटूंगी।